नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गा प्रसाद आज आप लोगों को एंट्री गेट, गैलरी और स्टेज का मैं फुल जानकारी देने वाला हूं कि किस तरह से डेकोरेशन किया गया है, क्या क्या मटेरियल इसमें यूज किया गया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। ये जो गैलरी देख रहे हैं ये है राउंड शेप में। अभी लाइटिंग का काम बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है लेटेस्ट में। अगर आप ये सब खरीदना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप यहाँ से जाके खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये सब गैलरी का डेकोरेशन है जो कि लाइटिंग में बहुत ही अच्छे तरीक़ा से दिखता है गैलरी में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने इस पे बहुत सारे वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप पीछे वाला वीडियो देखेंगे तो बहुत सारे आपको मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये गैलरी डेकोरेशन है और बहुत ही अच्छा तरीक़ा से सजाया गया है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो दोस्तों ये गैलरी का लंबाई और चौड़ाई जो है, ये चौड़ाई 8 फीट है और लंबाई 10 फीट है ऊँचाई, जो कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और मैं धीरे धीरे मैं अंदर की ओर प्रवेश कर रहा हूँ, जो कि स्टेज जहाँ पे लगा हुआ है। और ये दोनों साइड का गैलरी है जो कि आपको बहुत ही अच्छा दिखने के लिए मैं सजाया गया है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीक़ा से सजाया गया है। कम कॉस्ट में अगर चाहते हैं आप तो इस तरह का डेकोरेशन कर सकते हैं। और ये है सेल्फी पॉइंट के लिए, जो कि अच्छा तरीक़ा से दिख जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और इससे अगर आगे बढ़ते हैं तो ये है सेल्फी पॉइंट, जो कि 8x8 का है। ये ऊंचाई भी 8 है और दो पैनल लगाया है 4x8 का। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अगर ये सब आप खरीदना चाहते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुत ही ये सेल्फी पॉइंट का भी काम कर रहा है। और इसमें मैं एक ही लाइट डाला हूँ जो कि पार लाइट है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे, और ये स्टेज जो देख रहे हैं ये 20 फीट का है, 20x8, इसका हाइट 8 फीट है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुत अच्छा तरीक़ा से सजाया गया है। बहुत ही कम बजट में आपको ये डेकोरेशन करने के लिए मिल जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। तो बहुत ही आसान काम है ये, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आप खुद भी इस तरह का स्टेज बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बीच में राउंड और गार्डन का सिर्फ काम किया गया है। तो ये ट्रस्ट का भी काम है। तो मैंने ये और भी सारा वीडियो डाल चुका हूँ इस पे। और ये लाइटिंग जो है, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो बहुत सारे ये जितना भी मटेरियल का मैं वीडियो बनाता हूँ, आप यहाँ से मेरे थ्रू, मेरे चैनल के थ्रू आप यहाँ से खरीद सकते हैं बहुत ही कम बजट में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये एंट्री गेट है, जो कि जिस समय एंट्री होता है तो वो बहुत ही अच्छे तरीक़े से देखने के लिए ये काम किया जाता है। ये फिर से मैं दिखाना चाहता हूँ, ये गैलरी है जो कि आप लोग के लिए वीडियो लाते रहता हूँ ताकि आपको काम करने में बहुत ही आसानी हो। तो बहुत ही अच्छे तरीक़े से दिख रहा है। और ये लाइट जो कि 0 वाट का रहता है, अगर आप इससे ज़्यादा देते हैं तो ये ज़्यादा फ्यूज करने का डर रहता है। तो आप इसमें 9 वाट का यूज करिएगा तो बहुत ही अच्छा से जलेगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीक़े से सजाया गया है गैलरी, स्टेज और एंट्री गेट। और ये है बफे काउंटर, जो कि भोज खिलाने के लिए बहुत ही अच्छा से सजाया गया है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुत ही कम बजट में सजाया गया है ये सब। तो दोस्तों इस तरह से मैं वीडियो डालते रहता हूँ आप लोग के लिए। अगर आप फ्लावर डेकोरेशन का काम करते हैं तो मेरे थ्रू बहुत सारे सामान आपको कम कम दामों में आपको मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप बिहार से हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं इस तरह के वीडियो लाते रहूं और आप लोगों को जानकारी मिलते रहे। तो दोस्तों अभी तक तो था स्टेज, गैलरी और लाइटिंग का कुछ काम। तो जैसा कि आप लोग देखा बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है बहुत ही कम बजट में। अगर आप फ्लावर्स का काम करते हैं तो आप इस तरह से सजा सकते हैं और कम बजट में आपको बहुत सारे मटेरियल मेरे थ्रू आप खरीद सकते हैं। अगर आप कहीं से भी हैं तो मेरे को कॉमेंट करें कि आप कहाँ से हैं और क्या खरीदना चाहते हैं, तो मैं इसमें फुल जानकारी, वीडियो और आप लोगों को सजेशन में भी दूंगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये नया नया आइटम है लाइटिंग के लिए, जो कि बिहार में अभी चल रहा है। तो और ये है, ये सब है पोर्ट, जो कि बहुत ही कम बजट में आप लोगों को मिलने वाला है। तो दोस्तों इस तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।